एनडीए सरकार और मंत्रिमंडल के गठन होने के बाद कब सभी दलों की निगाहें लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी की ओर टिकने लगी हैं। इसके लिए एक ओर जहां भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में एनडीए के गठबंधन के दल अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन के लोग एनडीए में सेंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लोकसभा स्पीकर का पद अपने पास ही रखना चाह रही है। इसके बदले वो उपाध्यक्ष की कुर्सी अपने सहयोगी दल या इंडिया गठबंधन के लोगों को देने पर विचार कर सकती है। दरअसल राजग में स्पीकर पद पर सहमति बनाने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सहयोगी दलों से बातचीत कर रहे हैं। उनकी ओर से स्पीकर पद के नाम पर सहयोगियों से चर्चा की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक जिन तीन नामों पर चर्चा हो रही है उनमें वर्तमान स्पीकर ओम बिरला, पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह और आंध्र प्रदेश की भाजपा सांसद डी पुरंदेश्वरी भी शामिल है। राजग में सहमति बनाने के बाद राजनाथ विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करेंगे। भाजपा ने सहयोगियों के सामने स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर का पद वो अपने पास ही रखेंगे। पार्टी ने डिप्टी स्पीकर का पद सहयोगी दलों को देने का प्रस्ताव रखा है। अगर टीडीपी तैयार हुई तो उसे लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। दरअसल सरकार की बड़ी सहयोगी जेडीयू के पास राज्यसभा में पहले से ही उपसभापति का पद है। इस क्रम में कल देर रात निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के आवास पर बैठक हुई, जिसमें भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह भी शामिल थे।